मेरी एक बात मान लो, सारे पकड़ लो अर्शदीप सिंह को, अर्शदीप सिंह को सारे के सारे पकड़ लो और इसको पूछो कि इसका क्या जरूरत थी इसको हिट करने की, जहां जिस पिच के ऊपर कोहली जिसको कहते हैं नहीं चल रहा, केएल राहुल नहीं चल रहा, कोई बल्लेबाज नहीं हिट मार पा रहा, उस पिच के ऊपर अर्शदीप सिंह पहली बॉल के ऊपर हिट करने जा रहे हैं, पहली बॉल के ऊपर हिट करने जा रहे हैं। बंदा पूछे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अर्शदीप सिंह टच भी करते सिंगल हो जाना था, ये मैच था, ये इंडिया ने जीत जाना था। अखीर होगी लंका मेन नजर के अंदर, अगर मैं बात बताऊं तो जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका ने मेन नजर के अंदर इस मैच को जीत लिया। अबे बगैर तो थोड़ा सा शर्म कर लो, अपनी टीम को संभालो, अपनी टीम पे जाके थोड़ा फोकस करो, तुम्हारी अपनी टीम क्या कर रही है। या बात करेंगे हिंदुस्तान की टीम पर, इंडिया मैच हारा है, सबसे पहले ये बात कर लें कि इंडिया ये मैच टाई करवा के गया है, इसमें कसूरवार कौन है, इसमें कौन है कसूरवार? मेरी नजर में अर्शदीप सिंह भाई, रिस्पेक्ट है आपकी बॉलिंग की, आपकी हर चीज की रिस्पेक्ट है, लेकिन मेरी नजर में इस मैच का कसूरवार अर्शदीप सिंह और शुभमन गिल है। भाई अर्शदीप बेटा, तू गोटा लगा के शॉट लगा रहा है, छक्का मारने लगा तू मैदान के ऊपर से, आफ के ऊपर से, यान के, मतलब क्या कर रहा है तू? तू बाल को रोक, रोक तू बाल को, तू बाल को रोक किसी तरह, एक बाल तू रोक ले। अगर तू वो बाल उधर रोक लेता तो भाई काम आसान हो जाता। सीरीज अभी बाकी है, ये मैच हार भी जाते, हारे तो नहीं है, ये मैच टाई हुआ है, अगर हार भी जाते तो भी दिक्कत नहीं थी भाई, सीरीज अभी खत्म थोड़ी हुई है, तीन मैचेस हैं, एक ही तो अभी गया है, वो पता कैसे चलेगा कि यार हमारे प्लेयर क्या कहीं पे क्या कर दिया कि हम यार, हमें श्रीलंका के खिलाफ मैच ड्रॉ होने के बाद गौतम गंभीर गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा बयान भी दिया सब लोग हैरान भी हो गए। हम आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहीं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के पहले वनडे मैच में जहां श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 230 रन बनाए और सबको पता था ये 230 रन भारत के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, पर विकेट की परिस्थिति को देखते हुए ये ज्यादा भी लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से स्पिनर को मदद मिल रहा था, श्रीलंका के स्पिनर भी बहुत अच्छे थे, पर रोहित शर्मा की शानदार शुरुआत के बाद भी हमारी बैटिंग कोलैप्स हो गई, एक के बाद एक हमारे बैट्समैन फंसते गए स्पिनरों के खिलाफ श्रीलंका के, और वहीं पे एक टाइम हमारे पास मैच आ गया था पूरी तरह से, एक रन चाहिए था सिर्फ, और शिवम दुबे खेले थे, गौतम गंभीर और विराट कोहली तो जश्न भी मनाने लग गए थे, वहीं पे जब शिवम दुबे आउट हुए अर्शदीप आए और उन्होंने एक ऐसा शॉट खेला सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि जिस विकेट में हर कोई बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा था, यहाँ तक कि विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर ये सब स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं अर्शदीप आए और पहली गेंद में छक्का मारने की कोशिश करने लग गए और आउट हो गए, और वहीं पे भारत को ये नुकसान हुआ और ये मैच टाई हो गया। इसी में गौतम गंभीर भड़क गए अर्शदीप पे, उन्हें कुछ समझाया और बताया भी किस तरह से तुम्हें खेलना चाहिए था, पर रोहित शर्मा आए बीच में, उन्होंने अर्शदीप को समझाया और उन्होंने बताया कि गलती हमारे बैट्समैनों की है, जहां हमारे बैट्समैनों को ये काम लेना चाहिए था हमने अर्शदीप के ऊपर छोड़ दिया, पर ऐसे इंटरनेशनल लेवल में अर्शदीप को ये शॉट खेलना नहीं चाहिए था, क्योंकि 14 बॉलें बची थी, सिर्फ एक ही रन चाहिए था, और जो शॉट खेला अर्शदीप ने ये बैड शॉट खेला जाता है। वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने बताया कि हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है मैच जीतना, वो कोई सा भी मैच हो, हम हर मैच को जीतना चाहते हैं, और उन्होंने अर्शदीप के बारे में भी बात करी कि किस तरह से अर्शदीप ने ये शॉट खेला, उन्होंने बीच बचाव भी किया अर्शदीप का कि ये कभी कार हो जाता है। आप कमेंट में जरूर बताएं अर्शदीप को ये शॉट खेलना चाहिए था या नहीं। माफ करें, ऐसे लोग आके हिंदुस्तान की टीम पे बात करेंगे, हिंदुस्तान की टीम ने जानबूझ के मैच हारा है, हिंदुस्तान की टीम ने जो है वो खुद जो है मैच जो है वो श्रीलंका को दे दिया। बेटा ये तुम्हारी टीम नहीं है जो 25-25 डॉलर में पीछे का दामन उठा के बोलते आजा भाई मिर्जापुर की पूरी मूवी यहाँ पे बना के चला जा। अबे बगैर तो थोड़ा सा शर्म कर लो, अपनी टीम को संभालो, अपनी टीम पे जाके थोड़ा फोकस करो, तुम्हारी अपनी टीम क्या कर रही है। या बात करेंगे हिंदुस्तान की टीम पर, भाई माना देखे इंसान टीम होती है, कोई ना कोई गलती, कुछ ना कुछ कहां कहीं पे कुछ ना कुछ हो जाता है टीम के अंदर। मैं मानता हूं कि आज टीम के अंदर थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं उसको गलती नहीं बोलता हूं, क्योंकि भाई सीरीज अभी बाकी है, ये मैच हार भी जाते, हारे तो नहीं है, ये मैच टाई हुआ है, अगर हार भी जाते तो भी दिक्कत नहीं थी भाई, सीरीज अभी खत्म थोड़ी हुई है, तीन मैचेस हैं, एक ही तो अभी गया है, वो पता कैसे चलेगा कि यार हमारे प्लेयर क्या कहीं पे क्या कर दिया कि हम भाई मानते हैं कि नहीं बने आज रन्स, डर के खेले, लेकिन पिच की कंडीशन भी ऐसे ही थी। रोहित शर्मा अच्छा खेले, जबरदस्त खेले, बहुत बढ़िया खेले, लेकिन शुभमन गिल नहीं चले,
शुभमन गिल वो पुर्जा है कि भाई आपको लगता है कि ये पुर्जा लगा के मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन जब आप लगाते हो तो अक्सर पुर्जे नए ऐसे होते हैं कि उनको नया बनाया होता है, लेकिन पुराने पुर्जे नहीं चला। ये अच्छा हुआ उन लोगों के लिए भी ठीक था जो बहुत सारे लोग बोल रहे भाई इसको T20 से भगाओ, इसको वनडे में खिलाओ, ये वनडे का प्लेयर है, आज उनको पता भी चल गया होगा। लेकिन हम ये भी जज नहीं कर सकते कि पहला मैच था कि नहीं भाई शुभमन गिल है या शबनम गिल है, इसको यहां से भी भगाओ। तो भैया एक मैच से कोई भी बंदा डिसीशन नहीं ले सकता कि कौन सा प्लेयर गलत है कौन सा सही है। ज्यादातर इसमें प्लेयर काफी टाइम से आए थे, और बड़ी गलती, मैं गलती भी नहीं मानता हूं उसको, शायद उसमें भी गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, इनका कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा कि ऋषभ पंत को नहीं लिया, कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा होगा, कुछ तो टेस्ट करना चाह रहे होंगे कि आज ऋषभ पंत को जो है उन्होंने ड्रॉप किया था। तो भैया ये जो पाकिस्तानी बैठ के चैनल पे यहाँ पे जो है बगल वाले पकोड़े पका के जो बेच रहे ना, जो अपने आपको क्रिकेट के बहुत बड़े एक्सपर्ट मानते हैं, जो बोलते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में हमें और कोई नहीं है, तो बेटा तुम इतने ओरिजिनल जो है एनालिसिस करने वाले होते ना, तो आज तुम्हारे यहाँ पे टाई लटकी होती किसी जो है चैनल पे बैठे होते।